गाइस, रितेश देशमुख ने वीकेंड के वार पर ये बताया कि कैसे महाराष्ट्र की जनता वैभव और एरिना की लव स्टोरी को पसंद कर रही है, और एरिना जो तुम घर के अंदर कर रही हो वो काफी लाजवाब है। तो चलिए जानते हैं उन्होंने ऐसा क्या कहा। सो गाइस, जैसा कि हमने कल वीकेंड के वार पर देखा कि रितेश देशमुख ने वैभव चव्हाण से कहा कि एरिना तुम्हारी भाषा को समझ पा रही है कि नहीं, जिस पर वैभव कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो समझ पा रही है। तो फिर रितेश देशमुख सार्केस्टिक वे से वैभव को ये कहते हैं कि मैं उस भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तुम उसको बताना चाहते हो वो समझ पा रही है कि नहीं, जिस पर सभी घरवाले हंसते हैं और वैभव शर्माने लगता है और वैभव से ये भी कहता है कि स्टोरी को आगे बढ़ने दो और ब्लैक बोर्ड को खाली मत रहने दो, कुछ ना कुछ उसके ऊपर लिखते रहो। और एरिना की भी जमकर तारीफ करते हैं और कहते हैं जो तुम्हारा प्यार है मराठी लैंग्वेज को लेकर वो पूरी जनता को काफी अच्छा लग रहा है। और बिग बॉस की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि बिग बॉस ने आपकी इच्छा को पूरा किया और आपको चौक ला के दिया। तो मैं तो एरिना को ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी कर रही हो उसे आगे कंटिन्यू करते रहो, और वैभव आप जो कहना चाहते हो ये बात को खुलकर कहो। सो गाइस, क्या आपको भी लगता है कि वैभव और एरिना इन दोनों की लव स्टोरी आगे भी बढ़नी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।